हाँ हेलो बच्चों, नमस्ते सभी को। रिदम क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है बेटा। उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारे जो फिजिक्स की क्लासेस हो गई हैं, लास्ट दो क्लासेस हो गई हैं जिनमें हमने डिस्कस किया था। एक तो अपने स्टार्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात की थी। उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश के बारे में बताया था। और उसका जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कूलाम का नियम भी डिस्कस किया था। और सेकंड लेक्चर के अंदर अपन ने कूलाम के नियम का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन था ना उसको अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है ना। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ेंगे जो अपन के पास जैसे विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, सॉरी अपन ने कूलाम का नियम पढ़ लिया और सदिश निरूपण पढ़ लिया, आवेश पढ़ लिया अपन ने। अब आवेश हमारे पास जनरेट करता है एक फील्ड और उस फील्ड को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। तो अगर आज अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के संबंध में एक हमारे पास एक टॉपिक और आता है जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जैसे जैसे जो चैप्टर बढ़ेगा ना वो हमारे पास विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये कंप्लीट चैप्टर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है ना। तो देखो आज अपन जिसकी स्टडी करने वाले हैं वो है हमारे पास विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो समझो ध्यान से, जैसे हमारे पास कोई भी एक आवेश है, ये क्यू हमारे पास एक आवेश है, और इस आवेश के अराउंड देखना समझना कि कोई भी जैसे हमारे पास इस आवेश को हम बोल रहे हैं स्रोत आवेश, स्रोत आवेश, स्रोत आवेश इट मीन्स सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज और यहां पर सपोज हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं क्यू नॉट, और ये हमारे पास परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश इट मीन्स टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। देखो ये आवेश यहाँ पर रखा हुआ हमारे पास परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये इसके बल को, मतलब ये कोई ना कोई हमारे पास, अब हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ आवेश के अंदर कि भाई प्लस प्लस हमारे पास एक दूसरे को रिपेल करेंगे और माइनस माइनस भी रिपेल करेंगे, और प्लस माइनस यानी विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यहाँ पर इन दोनों आवेशों को आप प्लस प्लस माइनस 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 प्लस कुछ भी ले सकते हो। तो अगर देखो, अगर देखा जाए तो ये क्यू आवेश है ना, अभी इस पर कोई इफेक्ट हमारे पास नहीं डाल रहा, लेकिन मैं इस क्यू नॉट को इधर पकड़ के लेके आता हूँ, इधर लेके आता हूँ, इधर लेके आता हूँ, तो इस सरफेस पर जाके ये अपनी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति यानी या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो अपनी प्रकृति के अनुसार या तो ये आकर्षित होगा या ये क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, या तो ये आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस आवेश के चारों ओर, अब इसको देखो यहाँ पर लेके आ जाओ, यहाँ लेके आ जाओ, यहाँ लेके आ जाओ, यहाँ लेके आ जाओ, इसका मतलब है इस स्रोत आवेश से इक्वल डिस्टेंस पर हमारे पास अगर कहीं भी अराउंड द डिस्चार्ज, अगर इस आवेश को कहीं भी आप लेके आओगे तो ये अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अगर हम परिभाषा की डेफिनेशन की बात करें तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। अब देखो समझो, जब ये आएगा यहाँ पर तो मैंने क्या बोला कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हमारे पास क्या होगा, अप्लाई होगा। तो देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत स्थिर वैद्युत बल लग रहा है हमारे पास, और ये किस पर लग रहा है, ये एकांक परीक्षण आवेश पर लग रहा है। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इट इज डिनोटेड बाई ई वेक्टर। यानी हमने सिंपली क्या बोला कि स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वह अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। तथा एकांक विद्युत क्षेत्र में या एकांक विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इट मीन्स ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब मान के चल रहते हैं कि हमारे पास जो यहाँ का इसका सेंटर है और इस आवेश का जो सेंटर है, ये दोनों हमारे पास स्मॉल r डिस्टेंस पर है। कितने पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर। अगर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं F इज इक्वल टू, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमारे पास क्या हो जाएगा, k क्यू वन क्यू टू अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो देखो E वेक्टर इज इक्वल टू हमको मिलेगा k क्यू वन क्यू टू
अपॉन आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू की जगह अपन क्या, क्यू वन की जगह हमारे पास क्यू है और क्यू टू की जगह हमारे पास क्या है, क्यू नॉट है, और अपॉन में हमने आर स्क्वायर ले लिया, और अपॉन में हमारे पास एकांक परीक्षण आवेश आ रहा है क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल कर देंगे तो हमको मिलेगा ए वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो हमको मिला है इसको बोलते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ई इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिंपली हमने ये किया है, देखो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, अगर यहाँ ये जो स्रोत आवेश है बल अप्लाई करेगा ना, उस बल का मान F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर क्यू वन हमारे पास क्यू है और क्यू टू हमारे पास क्या है, क्यू नॉट है, तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन में आ रहा है हमारे पास क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू हमको बचेगा क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो हमारे पास इसकी फॉर्म हो गई। अगर देखो ये हमारे पास देखो ई है ना, एफ फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, तो ऑब्वियसली बात है कि ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। अगर इसे सदिश निरूपण करना चाहते हैं कि सदिश निरूपण, तो देखो सदिश निरूपण करते हैं तो वेक्टर लग जाता है हमारे पास और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आर कैप। ये जो आर कैप होता है इसको पोजिशन वेक्टर यानी एकांक सदिश या स्थिति वेक्टर बोला जाता है, और इसका जो मान होता है हमारे पास आर कैप, ये आर कैप हमारे पास होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, इट मीन्स आर वेक्टर अपॉन मापांक आर। ये वैल्यूज अगर उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और देखो आर कैप की जगह हमारे पास आर वेक्टर और मॉड ऑफ आर हो जाएगा ना, तो ये आर स्क्वायर यहाँ पर और ये आर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास आर क्यूब। इस तरीका से इसके सदिश जो प्रदर्शन है हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर हमारे पास हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। देखो ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एफ अपॉन क्यू नॉट, तो इसके देखो मात्रक की बात कर लेते हैं हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है हमारे पास, देखो एफ क्या है न्यूटन और एम क्या है हमारे पास आवेश है ना, तो न्यूटन अपॉन कूलम हो जाएगा। इसका एक अन्य मात्रक होता है और दूसरा मात्रक हमारे पास होता है वोल्ट अपॉन मीटर, कितना होता है वोल्ट अपॉन मीटर। साथ के साथ इसकी बीमा की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है कि जो न्यूटन इट मीन्स फोर्स, और फोर्स की जो हमारे पास बीमा होती है डायमेंशन होती है वो होती है एम वन एल वन टी माइनस टू। नीचे हमारे पास चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन हमारे पास होती है ए वन टी वन, तो ए वन को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस वन और टी वन को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा, टी माइनस वन हो जाएगा। ऑलरेडी वहाँ पर ऊपर टी माइनस टू है हमारे पास, जैसे मैंने देखो फोर्स की लिखी एम वन एल वन टी माइनस टू और अपॉन में हमारे पास आवेश की हो जाएगी ए वन टी वन। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास एम वन एज इट एल वन, ये टी माइनस टू है, ये टी वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस वन और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस थ्री और ये हो जाएगा ए माइनस वन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायमेंशन हमारे पास मिलती है एम वन एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये आपके सभी समझ में आ गया होगा। अब मैंने अभी आपको क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि होती है तो उसकी कोई ना कोई हमारे पास क्या होगी, दिशा होगी, कोई ना कोई क्या होगी, दिशा होगी। तो देखो इसकी जो दिशा हमारे पास निकालने के लिए एक स्पेशल टॉपिक आता है जिसको अपन बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, है ना। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती है ना वो हमारे पास काम आती हैं किसको दिखाने के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो समझो हमारे पास जैसे अपन दो बॉडी की बात कर लेते हैं,
इस बॉडी से अगर जैसे हमारे पास सपोज इलेक्ट्रॉन है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है हमारे पास, तो ये यहाँ से निकलने के बाद देखो ये दूसरी बॉडी में इधर आएगा हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऑब्वियसली उस पर क्या चार्ज आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी ऋण ही हो जाएगा वो। तो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरी बॉडी पर पहुंचता है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है, उस इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता होता है, जिस रास्ते को उसने फॉलो किया है दूसरी बॉडी तक जाने में, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, यानी विद्युत बल्ब रेखाएं बोलते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, इलेक्ट्रॉन को जाते हुए को आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन को जाते हुए को आप नहीं देख सकते, लेकिन अपन ये जो लाइन होती है सारी के सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती हैं, अपन ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला होगा, और हमको पता कैसे लगता है, क्योंकि किस बॉडी पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया है, और इसने हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इसने ग्रहण किया तो इस पर हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो हमारे पास धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश की ओर क्या करती हैं, गमन करती हैं, ठीक है ना। जैसे इस तरीके से हमने ये यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये प्लस आवेश हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये ऋणावेश हो जाएगा, तो ये जो पाथ हो रहा है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन के संचरण की दिशा को दिखा रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, क्या हो जाती है, समाप्त। ये कुछ बल रेखाएं इस तरीका से निकलती है, इस तरीका से ये जा रहा है, बहुत सारी बल रेखाएं निकलेंगी यहां से ऐसे ऐसे, जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इन बल रेखाओं का जो कर्व है हमारे पास वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो धन आवेश से आपको बाहर की ओर डायरेक्शन लगानी है, ऋण आवेश से आपको अंदर की ओर डायरेक्शन लगानी है। एक बात जरूर ध्यान रखनी है, देखो आगे चल के अपन चैप्टर नंबर 5 के अंदर स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय बल रेखाओं की, चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं है तो दोनों चीज़ें सिमिलर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर देखो ये मैंने क्या बोला कि धनावेश से स्टार्ट होती है और ऋण आवेश पर जाके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर चुंबकीय बल रेखाओं की वहां पर बात करेंगे तो वहां पर मैग्नेट यानी चुंबक की बात करेंगे, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो चुंबक के बाहर होती हैं वो हमारे पास नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जाती हैं, और इनसाइड ऑफ द मैग्नेट चुंबक के अंदर हमारे पास साउथ पोल से किधर आती हैं, नॉर्थ पोल की तरफ आती हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी कि धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर जाके क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, अर्थात ये ऋण आवेश से धनावेश की ओर नहीं आती। जब ये धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर खत्म हो जाएंगी तो क्या कभी ये बंद लूप का निर्माण कर पाएंगी, यानी कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके तो ये हमारे पास है नेगेटिव, पॉजिटिव से जाएंगे किधर, हमारे पास नेगेटिव की तरफ जाएंगे, यानी बंद लूप का निर्माण नहीं करेंगे। दूसरा, मैंने देखो इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है, ये कोई भी बल रेखा एक दूसरे को काट नहीं रही है। अगर सपोज मैं एक बल रेखा यहां से ले लूं और ऐसे इसको कटवा देता हूं कि हमने एक बल रेखा क्या कर दी है, काट दी है, अगर ये बल रेखा हमारे पास क्या हुई, कैंसिल आउट हुई, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए, काट दिए, तो ये दिखा किसको रही है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, इट मीन्स एक डायरेक्शन तो ये होगी और एक डायरेक्शन ये होगी। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या एक पॉइंट पर हमारे पास दो डायरेक्शन हो सकती है क्या, कभी भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट पर हमारे पास दो डायरेक्शन हो जाएंगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि हमारे पास क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब देखो तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज के अंदर आप लिख सकते हो कि ये बल रेखा धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं, ये बल रेखा है कभी बंदूक का निर्माण नहीं करती। तीसरा हमारे पास कि ये बल रेखा है हमारे पास एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशा होंगी जो कि संभव नहीं है। फिर आपने ये देखा होगा कि जब ये बल रेखा यहाँ से निकलती है ना, तो देखो इनके बीच में डिस्टेंस कम होती है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है उनके बीच में डिस्टेंस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जहाँ बल रेखाएं हमारे पास पास होंगी वहाँ पर प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और धीरे धीरे जहाँ पर ये बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी ना हमारे पास, वहाँ पर जो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है हमारे पास, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता जाएगा, वीक होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारे पास सारी की सारी बल रेखा कैसी हो जाएंगी, हमारे पास एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, और वहाँ पर हमारे पास निर्माण होगा एक समान विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पर बात करते हैं अपन, जैसे मैं एक बार और समझा देता हूं आपको कि ये हमारे पास प्लस आवेश है, तो ये बल रेखा जब निकलती है ना तो लंबवत प्लस से तो लंबवत बाहर की ओर निकलती है ऐसे, और माइनस से ये लंबवत इनसाइड यानी अंदर की ओर आती हैं
ऐसे, ठीक है ना। यानी धन आवेश से ये जो बल रेखाएं होती है वो लंबवत बाहर की ओर निकलती है और ऋण आवेश के अंदर ये लंबवत क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। उसके बाद में ये किसका रूप ले लेती हैं, उसके बाद ये वक्र का रूप ले लेती हैं, यानी इनकी जो पथ होता है वो वक्रीय होता है। अगला जो हमारे पास पॉइंट आएगा, देखो ऐसे नहीं कि भाई यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकला है, बल रेखा निकली और यहाँ पर थोड़ा ये ब्रेक हो गया हो, नहीं ये ब्रेक नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइंस होती है हमारे पास, ये जो रेखाएं होती हैं वो सतत वक्र होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं कंटिन्यूस कर्व होते हैं, यानी कि कोई भी इनके बीच में समय पश्चता नहीं होती, यानी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू गति करता है जहाँ से निकलता है और जहाँ पर जिस वस्तु द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है वहाँ पर ये कंटिन्यूस यानी सतत रूप से चलता है, इसलिए डिस्क्रीट फॉर्म नहीं होती, ये एक सतत क्या होते हैं वक्र होते हैं, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें, जैसे मैंने ले लिया कि सपोज एक प्लस ले लिया, ये प्लस, मैंने दो माइनस ले लिए, देखो प्लस से हमारे पास बल रेखाएं कुछ ऐसे निकलेंगी बाहर, ऐसे ऐसे निकलेंगी, है ना, और ऋणावेश पर हमारे पास कुछ ऐसे ही बल रेखाएं ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी अंदर, ये है ना। तो देखो ये दोनों जो धनावेश निकल रही है ना, हमारे पास दो समान प्रजाति के आवेश रखे होते हैं, तो वहां से जो बल रेखाएं निकलती है ना वो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। अगर वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी तो देखो यहां पर देखो एक पॉइंट कुछ ऐसे इनके बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, शून्य होगी, बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, शून्य, और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं उदासीन बिंदु। क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु, यानी दो समान प्रजाति के आवेशों के मध्य वह स्थान जहां पर बल रेखाओं की कुल संख्या हमारे पास कितनी होती है, शून्य होती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, उदासीन बिंदु। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक मैं एक बार दोबारा से समराइज कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं कि विद्युत बल रेखाएं हमारे पास जो है हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालने के लिए अपने काम में आती है, जो कि विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से चलती है और माइनस आवेश पर जाके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और ये हमारे पास वक्र का निर्माण करती है, सतत रूप का ये सतत वक्र होते हैं हमारे पास, और ये बल रेखाएं कभी भी हमारे पास एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं काटती नहीं, क्योंकि कटान बिंदु पर हमारे पास दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है, ठीक है ना। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। और बाकी तो इसमें ये है कि भाई धनावेश से लंबवत बाहर की ओर निकलती है, ऋणावेश से लंबवत नीचे की ओर आती है। हमारे पास दो सजातीय आवेशों के मध्य हमारे पास क्या होता है, एक बिंदु ऐसा होता है जहाँ पर विद्युत जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या शून्य होती है उसको उदासीन बिंदु कहते हैं। जहाँ पर ये हमारे पास पैरेलल हो जाती हैं वहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो जहाँ रेखाएं निकलेंगी ना वहाँ पर हमारे पास 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 होंगी तो प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी ना तो हमारे पास दुर्बल विद्युत क्षेत्र का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है ना बेटा। आज के लिए इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पर स्टडी करेंगे फर्दर जो भी अपना टॉपिक होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।